हम लोग आज आगे बढ़ रहे टाइप वन दैट इज डिपेंडेंट ऑन सेलिंग गुड्स फॉर कैश ओनली। आज हमारी टाइप वन हम लोग देखने वाले अब कैश ओनली ट्रांजेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। तो हमारे लिए क्लियर है, हमें एक वर्किंग नोट बनानी होगी दैट इज पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले मैं नीचे जाके एक पेटी कैश बुक बना देता हूँ, पेटी कैश अकाउंट। ये हमारी वर्किंग नोट है सारी की सारी। तो आइदर क्वेश्चन के पहले आप लिखने बैठे आंसर के पहले या तो आंसर के बाद बनाना पेटी कैश अकाउंट। अब पेटी कैश अकाउंट किया तो मैंने पहले ही बोल दिया था, चार चीजें आती है अगर याद हो। सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस, फिर यहाँ पे आता है क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे आता है पेटी कैश एक्सपेंस और यहाँ पे आते हैं कैश फ्रॉम एचओ। ये चार चीजें आती है। इसके बाद हमें कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर होगी, वो हमें ढूंढनी रहेगी। तो वो हम लोग ढूंढेंगे कौन कौन सी मिसिंग फिगर रहती है हमारी। चलो अब हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देखो कैटेगरी समझ गया था कौन सी कैटेगरी है, तो ये चीज। अब मुझे आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ऐसा, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देना, कापड़िया ट्रेडर्स इज अ ब्रांच एट कानपुर, मतलब यहाँ पे कापड़िया ट्रेडर्स की ब्रांच है कानपुर की, उसके बारे में बात करिए। एट कॉस्ट मतलब ये इनवॉइस वाला सम नहीं, एट कॉस्ट पे भेजा हुआ है। सेल्स वी मेड इन कैश ओनली दे दिया, जो आपका क्वेश्चन था दिमाग में कि सर आपको कैसे पता ये कैश ओनली है, तो यहाँ पे लिखते हैं All cash is received by branch is to be remitted to the head office. Daily basis पे ये लोग जो जो cash आती है वो सारी की सारी चीजें वो लोग भेज देते हैं। Head office sends the cash for petty cash expenses and are paid by the head office. मतलब सारी की सारी cash वो petty cash के लिए भेज रहे और वो सारे खर्चे head office ही उठा लेती है। अब इन लोग के ऊपर से आपको क्या क्या बनाना है, पहले तो आपको बनाना है branch account, फिर बनाना है branch trading और branch P&L account। हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ब्रांच ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट एक साथ बना देंगे, बस खाली थोड़ा बहुत गैप छोड़ देंगे बीच में और ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। सम के अंदर आपको सारी डिटेल्स दी हुई है, चलो देखते जाते हैं। सबसे पहले बताया हुआ है स्टॉक 31/3/2017, यहाँ पे हम लोग को बनाया फॉर द ईयर एंडिंग 2018। अगर आप ध्यान से देखो हमारा 2018 वाला सम, दैट मीन्स ये जो चीज है 17 वाली वो सारी की सारी चीजें बन जाएगी हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस। ये सारी की सारी ओपनिंग बैलेंस है, ये भी हमारे पास बीच में सारी हुई, ये दो चीजें जो हमारे पास है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो हमें इतनी चीजें तो पता चल गई सम में से क्या चीज कहाँ पे। चलो अब देखते जाते हैं। सबसे पहले बोला हुआ है ओपनिंग बैलेंस में स्टॉक 1000 रुपए। चलो ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर मैं लिखता जा रहा हूँ, दो चीजें हमारे पास है ब्रांच और ट्रेडिंग होती है ना, दोनों चीजें साथ साथ में लिखते जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस कौन कौन सी एसेट है। अगर मैं क्वेश्चन में जाऊं तो हमारे पास दी हुई है स्टॉक कैश और पेटी कैश, ये तीन चीजों के बारे में दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टॉक कैश और पेटी कैश। चलो अब इन सबकी अमाउंट भी देख लेते, ऊपर जाके अमाउंट कितनी थी। अगर मैं ध्यान से 1200 और 140 अमाउंट थी। चलो नीचे लिख देते 1200 140। चलो ये ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया। अब इसके साथ साथ नीचे हमने ब्रांच ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट भी बनाया हुआ है। मान लेते इतना हिस्सा हम लोग ट्रेडिंग के लिए रख रहे हैं और इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो हम लोग पीएनएल के लिए रख रहे हैं। मैंने दोनों चीज एक साथ बनाया, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आता है। जैसे आप सबको पता ही है ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस कितना था, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस था 1000 रुपीज, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलो अब इसके बाद पेटी कैश का भी ओपनिंग बैलेंस आता है, तो हमारी वर्किंग नोट अगर याद हो तो हमने बनाई थी ऊपर की साइड पे, वो देख लेते कितना ओपनिंग बैलेंस है, दैट इज 140 रुपीज, वो भी हमने लिख दिया। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई कैश बैलेंस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग पीएनएल में आता नहीं, इसलिए हमने उसकी दूसरी इफेक्ट नहीं दी। फिर हमारे पास आ रहा है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। भाई गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रही है, मतलब ये डेबिट साइड पे आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। कितने के गुड्स रिसीव्ड हुए थे हम लोग को, तो हम लोग को गुड्स रिसीव हुए थे 34,500 के। चलो उसके बाद हम लोग जाते हैं आगे बढ़ते हैं। ये गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ की दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, तो ट्रेडिंग में आएगी क्योंकि गुड्स रिलेटेड है। तो गुड्स फ्रॉम एचओ हमारी जो थी वो थी हमारी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, दैट वाज 34,500। तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा वो सारी चीजें 34,500। चलो ये हमने लिख दी 34,500। फिर उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज दी हुई है,
गुड्स रिटर्न टू एचओ, गुड्स रिटर्न टू एचओ का मतलब ये है कि भाई गुड्स रिटर्न जो हुए थे एचओ को हमने वापस कर दिए थे, भाई माल बराबर नहीं था, गुड्स बराबर नहीं थे, तो वो सारी चीजें अब हमने ब्रांच ने किसे भेज दिया, ये एचओ को भेज दिया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे गुड्स रिटर्न टू एचओ, गुड्स रिटर्न टू एचओ। अगर मैं बात करूँ गुड्स रिटर्न टू एचओ, तो गुड्स रिटर्न टू एचओ कितने रुपए थे, वो थे 14,500। और इसकी दूसरी इफेक्ट, हमारे जो गुड्स आए थे उसमें से वापिस गुड्स रिटर्न हमारे थे 14,500। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालू तो ये डिफरेंस आ रहा है 20,000 रुपीज, जो मैंने ट्रेडिंग और पीएनएल में नीचे लिख दिया है। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या चीज दी हुई है बाजू में, जाकर पेटी कैश रिसीव फ्रॉम एचओ। भाई कौन कौन सी पेटी कैश रिसीव हुई थी, एचओ ने भेज दिए थे भाई ये लो पकड़ो 200 रुपए, आपको कोई खर्चा वर्चा करना था। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ये वर्किंग नोट के अंदर 200 रुपए कैश रिसीव फ्रॉम एचओ में, और दूसरा लिख देता हूँ ब्रांच अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे, क्योंकि एचओ ने भेजा हुआ था। तो पेटी कैश रिसीव, पेटी कैश रिसीव कितने रुपए है हमारे, 200 रुपए है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद ये फर्नीचर रिसीव फ्रॉम एचओ 1/10/2017 को 20 साल में 6 महीने के बाद उन लोग ने एक फर्नीचर भेजा था 8,000 रुपए का। चलो उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि एचओ ने ब्रांच को भेजा हुआ था, तो डेबिट साइड पे फर्नीचर, फर्नीचर वॉज रुपीज 8,000 रुपीज, और ये भी ऐसा था तो ट्रेडिंग पीएनएल में आती नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है पेटी कैश और स्टॉक का कुछ क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो उस क्लोजिंग बैलेंस को देख लेते हैं। 100 रुपए, 1,000 रुपए, तो मैंने बोला एसेट का डेबिट साइड पे आता है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट यहाँ पे आएगी। कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास, तो हमें दो चीजों के बारे में बताया गया, दैट इज पेटी कैश और स्टॉक, पेटी कैश और स्टॉक के बारे में। तो मैं लिख दे रहा हूँ पेटी कैश, मैं लिख दे रहा हूँ स्टॉक। अब ध्यान रखना एक चीज, जितनी एसेट की ओपनिंग थी वो सारी की सारी आएगी, जैसे कि अगर हम लोग ध्यान पे रखें स्टॉक और पेटी कैश तो आ गया, पर एक चीज बाकी रह गई है लिखना, दैट इज कैश। तो उसकी भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कैश की भी क्लोजिंग बैलेंस आएगी। और अगर आपको याद हो एक और चीज थी जो हमने बीच में से एसेट आई थी, दैट इज फर्नीचर, तो हमारा फर्नीचर का भी क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड करना। तो हमें टोटल इतनी चीजों को तो चाहिए क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर। अब इन लोग ने बोल दिया है दो चीजों के बारे में, पेटी कैश और स्टॉक के बारे में। पेटी कैश और स्टॉक के बारे में कितना बोला हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। पेटी कैश और स्टॉक के बारे में इन लोग ने बोला हुआ है 100 रुपए और 1,000 रुपए, 100 रुपए और 1,000 रुपए, तो यहाँ पे लिख देते हैं पेटी कैश 100 रुपए और स्टॉक 1,000 रुपए। चलो कैश के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है, फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो फिर भी ऊपर जाके सम देखते हैं, अभी सम कंप्लीट नहीं। फिर एक चीज नहीं आ रही है, दैट इज क्वेश्चन में कैश रेमिटेड टू एचओ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमिटेड, रेमिटेड का मतलब होता है जो कैश हमने एचओ को भेज दी, वापिस कर दी, या तो भेजी, किसने भेजी होगी, ब्रांच ने भेजी होगी एचओ को। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन किसमें हो रहा है। तो अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में कैश ओनली में ही हो रहा है, तो जो भी कुछ कैश आती है वो लोग भेज देते हैं वहां पे, जो खर्चे हो रहे थे उसके लिए तो उन लोग ने कैश भेज दी थी। तो ये जो कैश रेमिटेड होगी वो किसके लिए होगी, दैट वुड बी रिलेटेड टू द सेल्स, क्योंकि नीचे हमें कैश के बारे में ज्यादा डिटेल्स में भी बताया हुआ है कौन कौन से खर्चे के कैश रिसीव फ्रॉम एचओ था और पेड बाय ब्रांच। तो यहाँ पे ये जो कैश आई है वो प्योरली किसकी होगी, दैट वुड बी रिलेटेड टू द सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये पैसे भेजे हुए हैं ब्रांच में हेड ऑफिस को, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स। कितने रुपए लिख रहे हैं हमें सेल्स के तौर पे, दैट इज 60,000 रुपीज। या तो फिर यहाँ पे सेल्स मत लिखो, एक और चीज लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, ये लिख दिया। और इसकी सेल्स की एक और इफेक्ट आएगी, दैट वुड बी ऑन द ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट पे सेल्स 60,000 रुपीज। रिलेटेड के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और चीज दी हुई है, दैट इज एक्सपेंस के बारे में नीचे एक टेबल दिया। अगर ध्यान से देखो तो भाई एचओ ने कुछ खर्चे भेजे हुए थे सैलरी के, जो होने वाले थे रेंट के, इंश्योरेंस के, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज एंड एडवर्टाइजमेंट, वो सारे खर्चे के पैसे भेजे हुए थे, और ब्रांच ने कितने खर्चे किए उसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रिपेयर अ कैश अकाउंट, एक छोटा सा कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ नहीं है।
एक कैश अकाउंट वर्किंग नोट के अंदर हम लोग बना देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं नीचे बना रहा हूँ, देखो। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक कैश अकाउंट बना रहे, ये हमारा वर्किंग नोट ही है, इसलिए ज्यादा कुछ ज्यादा डिटेल्स में देखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस, जो कैश की थी हमारे पास पड़ी हुई थी वो ओपनिंग बैलेंस थी 200 रुपए। अब ओपनिंग बैलेंस के बाद हमारे पास नीचे खर्चे के लिए कितने रुपए आए, यहाँ पे प्लस साइन होती है या माइनस साइन होती है ये आपको सबको पता है। जब कैश बढ़ती है तो डेबिट साइड पे आती है, कम होती है तो क्रेडिट साइड पे। तो सैलरी के उन लोग ने पैसे दिए थे, हमें दिए हुए थे कितने, 10,000 रुपए। फिर उसके बाद रेंट और रेट्स के कितने दिए हुए थे, रेंट और रेट्स के हमें दिए हुए थे 800 रुपए। फिर उसके बाद इंश्योरेंस के दिए थे 600 रुपए, इंश्योरेंस के दिए थे 600 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी के दिए थे 300 रुपए, 300 रुपए। फिर हमने दिए थे कैरेज और वेजिस के, कैरेज और वेजिस के वो थे हमारे 2,000 रुपए। फिर हमने एडवर्टाइजिंग के दिए हुए थे, एडवर्टाइजिंग के जो थे वो थे 600 रुपए, एडवर्टाइजिंग के जो थे वो थे 600 रुपए। ये पैसे हमारे पास आए थे, उसमें से खर्चे जो जो हुए वो हम लोग यहाँ पे लिख देते माइनस साइन पे। सैलरी कितनी गई हमारी, जो सैलरी हमारी गई वो थी 9,500, आए थे 10,000 रुपए, 9,500। रेंट जो था हमारा आया था 800 और गए भी 800। फिर उसके बाद जो इंश्योरेंस था वो 560 आ गया, मैं इंश्योरेंस के 600 भेजे थे, 560 हो गए। इलेक्ट्रिसिटी 300। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ रहे तो कैरेज और वेजिस 2,000, और फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे एडवर्टाइजिंग के लिए, तो एडवर्टाइजिंग के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे दैट इज 580। इस तरह से हमारा जब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल कितना हो रहा है कैश का। तो ये साइड का टोटल अगर गिनते जाए 210,000, 800, 600, 300, 2,000, 600, तो इट कम्स टू 14,500। और यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख देते 14,500। तो इन सबको माइनस करने के बाद वी वुड बी गेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ गैप, वो गैप आ रहा होगा अगर हम लोग माइनस कर ले एक बार 14,500 में से ये सारी चीजें, तो गैप आ रहा होगा हमारा 760। तो ये हमारा होगा क्लोजिंग बैलेंस। चलो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया, कौन सी चीज क्लोजिंग बैलेंस की है तो वो चीज हमें पता चल गई, क्लोजिंग बैलेंस 760 है। तो सबसे पहले मैं नीचे जाके क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूँ कैश का, दैट कम्स टू 760। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग बैलेंस के बाद, हम लोग ध्यान से देखें इन सब के अंदर पेटी केस का भी क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ गया 100 रुपीज। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में ऊपर लिख देता हूँ पेटी केस क्लोजिंग बैलेंस 100 रुपीज। अब करना क्या है, हमें करना खाली एक ही चीज है, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो ये आ गया 340 पेटी केस के डेबिट साइड का, यहाँ पे भी 340, और एक गैप आ रहा है, वो गैप कितना आ रहा है, 340 माइनस 100 दैट इज 240। और ये गैप किसका है, एक्सपेंस का है, तो ये चला जाएगा पीएनएल अकाउंट में। तो डायरेक्टली मैं पीएनएल अकाउंट, मैंने बोला था लोग गलती करते हैं, सबसे पहले यही लिख दो कौन सी चीज लिख देंगे पीएनएल में, पेटी कैश एक्सपेंस कितना आया हमारा, पेटी कैश एक्सपेंस वो आया हुआ है हमारा 240 रुपीज। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 240 रुपीज। चलो उसके बाद ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई, कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी हमने लिख दिया। बट कुछ चीजें जो हम लोग को अभी डिस्कस करनी है, ये जो पैसे जो थे इस साइड वाले, वो सारे के सारे पैसे एचओ ने भेजे थे किसे, ब्रांच को। तो ये सारा का सारा ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे आना चाहिए। तो हम लोग ये सारी की सारी अमाउंट, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज, एडवर्टाइजमेंट, सारा का सारा ब्रांच अकाउंट में लिख देते हैं। ब्रांच अकाउंट के अंदर यहाँ पे, और जो पैसे भेजे थे वो एक्चुअल खर्चे नहीं लिखने, जो पैसे भेजे थे वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते सैलरी, फिर लिख देते रेंट, फिर लिख देते इंश्योरेंस, फिर था इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमारे पास था कैरेज, फिर हमारे पास था एडवर्टाइजमेंट। अब सैलरी जो था हमारा, वो था हमारा सैलरी था वो था 10,000 रुपीज। रेंट जो था हमारा वो था 800। फिर उसके बाद इंश्योरेंस जो था वो था 600। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा था वो था 300। कैरेज जो हमारा था वो था 2,000। और एडवर्टाइजमेंट जो था हमारा वो था 600। ये हमने पैसे भेजे हुए थे, वो हमने उसकी एंट्री कर। अब आप सोचोगे सर ऊपर जो कैश में ये साइड वाला डेबिट साइड वाला तो समझ गए, इसका क्या करे, जो इस साइड आया हुआ है उसका क्या करे, ये जो है उसका हम लोग ट्रीटमेंट दे देंगे। ये एक्चुअल खर्चे जो हुए थे वो आएंगे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में। अगर मैं बात करूं
ये सैलरी, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देख रहा हूँ, सैलरी जो है हमारी, रेंट है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है और एडवांस, ये सारे खर्चे पीएनएल अकाउंट में आते हैं। बस खाली एक ही खर्चा ऐसा है, कैरेज वाला, कैरेज एंड वेजेस, जो हमारा खर्चा जो जहां पे आएगा दैट वुड बी रिलेटेड टू, भाई वो हमारा खर्चा कहाँ पे आएगा, वो खर्चा हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो अब हम लोग पहले जाके पीएनएल अकाउंट के अंदर सब कुछ चीजें लिख देते। पीएनएल अकाउंट के अंदर पेटी कैश एक्सपेंस लिखा हुआ है, उसके नीचे हमें कुछ खर्चे लिखना है, लिख देते सैलरी, फिर उसके बाद रेंट, फिर उसके बाद इंश्योरेंस, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद कैरेज, कैरेज तो ऊपर आएगा तो कैरेज यहाँ पे लिख देते कैरेज। कैरेज कितने रुपए है वो फिर बाद में देख लेते, और एडवर्टाइजमेंट। चलो अब सबके रुपए देखते, अब कौन से रुपए देखेंगे, पेड बाय ब्रांच वाले रुपए देखेंगे। तो भाई पहले वाले में दिया हुआ है सैलरी और वेजेस के अंदर 9500, तो यहाँ पे लिख दिया 9500। फिर हम लोग ने रेंट में लिखना है 800 रुपए, फिर हमें लिखना है इंश्योरेंस में 560 रुपीज, फिर हमें लिखना है इलेक्ट्रिसिटी में 300 रुपए, फिर हमें एडवर्टाइजमेंट में, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी में लिखना है 300 रुपये, फिर एडवर्टाइजमेंट में लिखना है 580 रुपीज। चलो हमने लिख दिए यहाँ पे 580 रुपीज, चलो 580 रुपीज। कैरेज के अंदर 2000 रुपये लिखना है, 2000, तो हमने कैरेज भी लिख दिया, क्या क्या कैरेज के अंदर आते हैं वो सारे खर्चे हमने लिख दिए। अब सारी चीजें हो गई, अब नीचे की एक लाइन क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, वो है डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%, मतलब फर्नीचर को 5% से डेप्रिसिएशन देना। कोई बात नहीं, हम दे देते हैं। हमारा फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर था 8000 रुपए का। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो हमारा जो फर्नीचर था, फर्नीचर वो था 8000 रुपए का, पर कौन सी डेट पे था, 1/10/2017 की डेट पे। हम लोग बात कर रहे हैं 31/3/2018, इन दोनों के पीरियड के अंदर बीच में आ रहा है 6 मंथ्स। अब 8000 का चीज है, उस पर हमें डेप्री देना है 5%, और वो भी 6 महीने के लिए, 6/12, तो वो हमारा डेप्री जो आएगा, डेप्री वुड बी अराउंड रुपीज, अगर हम लोग बात कर रहे हैं 200, तो ये हमारा डेप्री की अमाउंट मिल गई हमारी 200 रुपीज डेप्री की। तो डेप्री कहाँ पे लिखोगे, तो मैंने बोला था डेप्री भी लोग भूल जाते हैं लिखना, तो आप लोग लिख देना, आप मत गलती करना। डेप्री 200 मैंने एक तो लिख दी पीएनएल अकाउंट में, नीचे जाके देख लो डेप्री लिख दी पीएनएल में, और दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे अगर ब्रांच अकाउंट को ध्यान से देखो तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, डेप्री का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। फर्नीचर था 8000 रुपए का, उसमें से 200 रुपए काट लो तो कितने बाकी रहते हैं, वेरी गुड, 7800। चलो 7800 हो गया हमारा, इतनी चीजें हो गई है। अब हमें करना क्या है, बस हमारा सम खत्म हो गया, अब हमें खाली टोटल लगानी है सारी चीजों की। तो क्रेडिट साइड की टोटल लगा देते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8390, वही टोटल में यहाँ पे लिख दूँ 8390। इसमें से सारा गैप निकालते हैं, सबसे पहले माइनस करते हैं 600, 2000, 300, 600, 800, 1000, 10000, 8000, 200, 3450, 140, 200, 1000, कोई गैप आ रहा होगा, कितना गैप आ रहा है, गैप आ रहा है हमारा 25820। ये साइड पे अगर गैप आ रहा है डेबिट साइड पे, इसे बोला जाता है ब्रांच प्रॉफिट, इसे बोला जाता है ब्रांच प्रॉफिट। अब ये ब्रांच प्रॉफिट हमें मिल गया 25820, अब करना क्या हमें, ये ब्रांच प्रॉफिट आ गया, अब ट्रेडिंग पीएनएल में चले जाते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल को भी क्लोज करना है हमें। ट्रेडिंग पीएनएल को क्लोज करते, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखना भूल गया था, मैं ओपनिंग स्टॉक लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक तो लिखा है, देखो क्लोजिंग स्टॉक देखते ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास था 1000 रुपीज, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1000 रुपीज। अब इन सबका टोटल कर देते तो इसका टोटल हो जाता है 61000, इसका टोटल आ गया 61000। अब डिफरेंस है 61000 माइनस 2000 माइनस 20000 माइनस 1000, कितना गैप आ रहा है, गैप आ रहा होगा 38000। इससे हम लोग बोलते हैं जीपी, जीपी को जाके बाजू में लेके जाते 38000 पे। चलो अब 38000 पे लेके गए तो इसका टोटल भी हमारा 38000 ही आ रहा होगा, 38000, 38000, क्योंकि ऊपर प्रॉफिट है तो हालांकि नीचे भी प्रॉफिट ही होगा 38। उसमें से मैं 200 रुपीज डेप्रिसिएशन के 580 रुपीज माइनस कर देता हूँ, 300, 560, 800, 9500, 240,
सब कुछ मैं माइनस कर रहा हूँ तो मुझे एक आंसर आ रहा है, दैट इज आंसर इज कमिंग टू, जो डिफरेंस अमाउंट आ रही है मेरी, डिफरेंस अमाउंट दैट इज 25820। इसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो प्रॉफिट है हमारा नेट प्रॉफिट 25820 और ब्रांच अकाउंट का जो प्रॉफिट है ऊपर जाके देखो 25 टैली होगा, तो ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हमने क्या क्या चीजें देखी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेटी कैश बुक अकाउंट हमने बनाना देखा, कैश का कुछ ज्यादा नहीं दिया इसलिए हमने कैश अकाउंट भी बना लिया। फर्नीचर के डेप्रिसिएशन के बारे में भी हमने बात की हुई थी, एक लॉजिक हम लोग पूरे सम के अंदर एक ही लॉजिक पे चल रहे थे, दैट वॉज रिलेटेड टू कि अगर हेड ऑफिस ने कुछ चीजें ब्रांच को भेजी तो यहाँ पे लिखो, और अगर ब्रांच ने कुछ चीजें हेड ऑफिस को दी तो यहाँ पे लिख दो क्रेडिट साइड। इस लॉजिक पे हमने ब्रांच अकाउंट बना दिया, साथ साथ में हम लोग एक अकाउंट बना रहे थे दैट वॉज ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तो उसके बारे में हमने किया। सबसे पहले हमने जीपी निकाला, उस जीपी के बाद हमने लेके गए तो नेट प्रॉफिट निकाल दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था ब्रांच अकाउंट का, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, देख लो एक बार शांति से, कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लो। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड सम, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे राजू ऑफ राजकोट हैज अ रिटेल ब्रांच ऑफ एट सूरत विच सेल्स ओनली फॉर कैश, मतलब एक चीज हमारे लिए क्लियर हो गई कि यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन ही खाली आने वाले, क्रेडिट नहीं आने वाले। गुड्स सप्लाइड फ्रॉम द हेड ऑफिस एट अ कॉस्ट प्राइस, भाई सारी की सारी चीजें कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा अब डेफिनेटली हमें पक्का हो चुका है कि ये हमारा जो है वो टाइप वन वाला समय, भाई यहाँ पे ना तो इनवॉइस प्राइसिंग है ना तो कुछ क्रेडिट में ट्रांजेक्शन है। बट कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दी उसके बाद वाली, वो ध्यान से देखो, द एक्सपेंसिस ऑफ द ब्रांच आर पेड फ्रॉम द कैश सेल्स, मतलब उसके लिए वो पैसे नहीं मांगते, जो भी सेल्स होता है उसके सेल्स में से कुछ रुपए वो लोग खर्चे के लिए निकाल देते, और जो बाकी के पैसे रह रहे बैलेंस इज रेमिटेड टू द हेड ऑफिस, भाई इतने पैसे बाकी रह गए वो हम लोग कहाँ के भेज देते हैं वापस से, वो ब्रांच ब्रांच वाले हेड ऑफिस को भेज देते हैं, उन लोग ने सारी डिटेल्स दी है। टाइप वन वाला सम हो या टाइप टू वाला या टाइप थ्री वाला, एक चीज हमारे लिए क्लियर है दैट इज पेटी कैश अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले मैं नीचे जाके पेटी कैश अकाउंट बना लेता हूँ, पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट के अंदर हमारे पास जो सारी चीजें आने वाली है वो है, हमें फिक्स है, हमें चार चीजों में से कोई एक चीज गायब होगी, वो एक है ओपनिंग बैलेंस होती है, दूसरा होता है कैश सेंट बाय एचओ, एक होती है पेटी कैश एक्सपेंस, और फिर आती है यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। अब कुछ ना कुछ इन सब में से बाकी रहेगा, वो हमें ढूंढना है और उसके बाद हमें सम करना है। चलो ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली किस तरह से हो रही है, क्या हो रही है। चलो अब जाते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या चीज करनी है हमें। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें दी हुई है, वो क्वेश्चन वाली चीजें देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले उन लोग ने एक दिया स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, कोई बात नहीं ब्रांच में चले जाते हैं, हमारा रूल वही है जो हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है वो डेबिट साइड पे, जो ब्रांच हेड ऑफिस को भेज रहा है वो क्रेडिट साइड पे। ब्रांच के अंदर जाके मैं लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट, एक तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस के अंदर है स्टॉक, स्टॉक का जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है दैट इज 30,000 रुपीज, और क्लोजिंग बैलेंस भी हमें दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का दैट इज 20,000 रुपीज। चलो 20,000 रुपीज हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, चलो यहाँ पे लिखते हैं। इसकी दूसरी इफेक्ट आ जाती है ब्रांच ट्रेडिंग और पीएनएल में, वापस से ट्रेडिंग और पीएनएल मैंने एक साथ बनाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे मैं बीच में से डिवीजन कर देता हूँ, ये ब्रांच का हो गया, ये इसका हो गया, चलो यहाँ पे लिख देते ओपनिंग स्टॉक, हमारा ओपनिंग स्टॉक जो था वो था 30,000 रुपये, और जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारा वो हमारा था 20,000 रुपये। चलो इसकी दो साइड पे इफेक्ट हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वापस से क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, गुड्स रिटर्न टू एचओ, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, पहले रिसीव्ड होता है फिर रिटर्न होता है, अब पहले रिसीव्ड वाले 2 लाख है और 5,000 रुपये, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ गुड्स रिसीव्ड, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ गुड्स रिसीव्ड, भाई एचओ ने कितने गुड्स भेजे थे, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ वो थे 2 लाख रुपए, गुड्स रिटर्न कितने किए हुए थे, तो हम लोगों ने गुड्स रिटर्न किए हुए थे वो थे हमारे 5,000 रुपए के। चलो अब इसकी इफेक्ट ट्रेडिंग में किस तरह से आएगी, तो यहां पे लिख देते गुड्स रिसीव्ड,
माइनस गुड्स रिटर्न, मैं गुड्स रिसीव्ड और गुड्स रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो 2 लाख रुपए, और उसमें से 5,000 रुपए हमने रिटर्न कर दिए थे, तो हमारे पास बाकी रहते 1,95,000। इसकी भी हमने बराबर तरीके से ट्रीटमेंट कर दी। अब देखो हम लोग यहाँ पे खाली चैप्टर के अंदर किस तरह से मार्क्स स्कोर करने उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उसका हमारा फोकस वही है। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल थिंग कि भाई यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी हमारा खाली एक ही टॉपिक रह रहा है, दैट इज एक ही फोकस रह रहा है, दैट इज टू स्कोर गुड मार्क्स। अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो हमें देखना है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पेटी केस अकाउंट का हमें बैलेंस दिया है 1/4/2017, पेटी केस का 1/4/2017, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए। तो एक तो वर्किंग नोट में लिख देते 100 रुपए हमारा ओपनिंग बैलेंस है, और दूसरा हम लोग लिख देते ब्रांच अकाउंट के अंदर पेटी केस का भी 100 रुपए। अगर यहाँ पे हमें 100 रुपए मिल जा रहे तो सिंपल से क्लोजिंग बैलेंस भी कुछ आएगा तो सही, पेटी केस देखते कितना आता है, मैंने खाली लिख के रख दिया है अभी। चलो अब वापिस से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। पेटी केस सेंड टू ब्रांच 100 रुपए, भाई भेजे भी कितने थे ब्रांच को, 100 रुपए भेजे हुए थे, तो जो भेज रहे हेड ऑफिस, तो यहाँ पे लिख देते पेटी केस सेंड टू ब्रांच, सेंड टू ब्रांच कितने रुपए, 100 रुपए। चलो इतना काम हमारा खत्म हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं फर्नीचर बोला हुआ, फर्नीचर की डेट बोली हुई, फर्नीचर 1/4/2017 को 3200 रुपए का था, 1/4/2017 में ये जो था वो था 3200। ओके 3200 का हमारा फर्नीचर था, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस में लिख देते फर्नीचर 3200 ओपनिंग बैलेंस, तो फर्नीचर का भी क्लोजिंग बैलेंस आने ही वाला होगा। चलो इतना हमने लिख दिया यहाँ पे, ये सारी चीजें हो गई हमारी। फिर उसके बाद दिया है रेंट सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पे जब तीन चीजें दी हुई है, दैट इज रेंट सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस, वापस से मैं एक लाइन के साथ आपको ज्वाइन करता हूँ जो ऊपर वाली जो क्वेश्चन के अंदर बोल्ड लाइन लिखी है, द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड फ्रॉम द कैश सेल्स। ये सारी की सारी चीजें कहाँ से पे की हुई है, कैश सेल्स में से पे की हुई है, हमने हेड ऑफिस ने ना तो इसके पैसे भेजे हुए थे ना तो कुछ हुआ था, तो ये जो पैसे हमने दिए हुए हैं टोटल कर लेते कितना हो रहा है, 14,300, 18,720, 500, ये करीबन करीबन आप हमारा कुछ आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू द 53,500 आई सपोज, 53,500 का हमारा ये पैसा आ रहा है। इतना खर्चा ब्रांच ने कर दिया, पर कहां से किया होगा, जो सेल्स किया हो उसमें से। फिर नीचे एक और चीज दिया कैश सेंड टू एचओ 2,39,000। अब एक समझने वाली बात है, अब ध्यान से देखो हम लोग यहाँ पे देख जा रहे हैं नीचे वर्किंग नोट के साइड पे, भाई हमने कैश कितनी भेजी, हमने कैश भेज दी उन लोगों को, हमने जो कैश सेंट की वो कितनी की थी, वो सेंट की थी हमने उन लोगों को 2,39,000। उसमें से अगर मैं बात करूं कुछ रुपए जो एक्सपेंसेस के तौर पे यूज हो चुके थे वो तो हमारे जेब में होने ही वाले थे, कितने थे 53,500। तो यहाँ पे इन सबका टोटल जो आ रहा है, टोटल आ रहा है दैट इज 2,92,500। ये जो अमाउंट हमारी आ रही है, ये अमाउंट आ जाती है हमारी टोटल सेल्स की। वापिस से समझा रहा हूँ, ये कैसे टोटल सेल्स आ गया सर, देखो हमने कुछ एक्स अमाउंट कमाया होगा उसमें से कुछ खर्चे कर दिए होंगे, तो बाकी रहा वो था हमारा बैलेंस जो हमने भेज दिए ब्रांच को, क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांच है तो ब्रांच ने भेज दिए होंगे एचओ, तो हमारा टोटल सेल्स हुआ होगा इतने रुपए, उसमें से हमने कुछ खर्चे किए थे इतने रुपए, बचे जो थे वो रुपए हमने भेज दिए कहाँ पे, हेड ऑफिस। तो क्या करें यहाँ पे, तो जो कैश सेंट है वो तो हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में, कैश सेंट हमने कैश कितनी सेंड कर दी 2,39,000 की। अब ये जो सर एक्सपेंसेस वो लिखेंगे कहाँ पे, लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे, ये 14,300 18,700 सैलरी के और रेंट के, रेंट और सैलरी और अदर एक्सपेंसेस ये सारे के सारे हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, लिखेंगे पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। चलो पीएनएल अकाउंट में चले जाते हैं, हम लोग लिख देते हैं रेंट, फिर लिखते हैं सैलरीज, फिर लिख देते हैं अदर एक्सपेंस। अगर मैं रेंट की बात करूं तो रेंट है 14,300, हमारी जो सैलरी है वो 18,700 है,
और अदर एक्सपेंस है वो है 20,500। चलो यही एक ट्विस्ट था इस सम के अंदर, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। फिर उसके बाद पेटी केस एक्सपेंस भी इन लोग ने दे दिया, कितने अच्छे लोग। पेटी केस एक्सपेंस 100 रुपए हो गए, पेटी केस एक्सपेंस 100 रुपए। जैसे यार दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, जाओ फटाफट पीएनएल अकाउंट में लिख दो पेटी केस एक्सपेंस, पेटी केस एक्सपेंस 100 रुपए। लिख दिया हमने 100 रुपए पेटी केस एक्सपेंस, बट चलो हमने यहाँ पे लिख दिया 100 रुपए पेटी केस एक्सपेंस, तो एक चीज है क्लोजिंग बैलेंस में ये 200, ये भी 200, 200 में से 100, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आ गया 100 रुपीज। चलो पेटी केस क्लोजिंग बैलेंस हमें मिल गया 100 रुपीज, चलो यहाँ पे बात खत्म हो गई। फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखते तो नीचे गया हेड ऑफिस हैज पेड, यहाँ पे क्लियर कट बोला किसने पे किया, हेड ऑफिस ने पे किया, कितने लाए रुपए 3400 इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच। एडवर्टाइजिंग का 3400 का खर्चा था, वो हेड ऑफिस ने बोला भाई हम पे कर देंगे। तो एक तो हेड ऑफिस खर्चा निकाल दिया, तो ब्रांच अकाउंट में आएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दैट इज रिलेटेड टू 3400। और इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी पीएनएल अकाउंट में, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में जाता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 3400। चलो हमने यहाँ पे भी लिख दिया 3400, हमने सारी चीजें लिख दी यहाँ पे किस तरह से। फिर लिखा हुआ है फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1/4/2015 फोर रुपीज 4000 एंड 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड को अगर आपको याद हो स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में, SLM मेथड बोला जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कॉस्ट प्राइस पे डेप्री लगता है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू डी अपॉन 100, हमारी कॉस्ट प्राइस की 4000 रुपीज, डेप्रिसिएशन का रेट था, यहाँ पे डी की जगह पे आप आर भी लिख सकते हो, डी की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 10% अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 400 रुपीज। मतलब हमारा डेप्री कितना लग रहा है 400 रुपीज लग रहा है, डेप्री की अमाउंट भी हमें मिल गई। डेपरी की अमाउंट मैंने वापस से बोला था, दो चीजें याद रखना पेटी केस एक्सपेंस और डेपरी, ये दोनों चीजें लोग भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, कहाँ पे लिखना यहाँ पे पीएनएल में, तो मैंने डेपरी लिख दी। फिर डेपरी जैसे ही मिल जाता है 400 रुपीज। हाँ, और उसके साथ दूसरी इफेक्ट फर्नीचर का बैलेंस था 3200, अब वो उससे अंदर हमने डेपरी दे दिया 400 रुपीज, तो अब ये फर्नीचर की अमाउंट हो जाएगी 2800 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा ये काम भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद बोला हुआ प्रिपेयर द फॉलोइंग थिंग्स, हमने तो पहले से बना दी। चलो अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले ब्रांच अकाउंट को क्लोज करते हैं। ब्रांच अकाउंट के अंदर 5,000, 2,39,000, 20,000, 100 रुपए और 2800, ये सारा हमें लिखना है, इसका टोटल कर देते हैं। टोटल जो आ रहा है यहाँ पे क्रेडिट साइड का ब्रांच अकाउंट का, दैट इज कमिंग टू 266,900, और यहाँ पे भी हमारा टोटल वही लिख देते 266,900। अब सारी चीजें माइनस करते जा रहे 3400, 100, 2 लाख रुपीज, 3200, 100 और 30,000 रुपीज, तो हमारा जो गैप आ रहा है दैट इज द गैप ऑफ 30,100 रुपीज, ये हमारा गैप आ रहा है, दैट इज ब्रांच प्रॉफिट, ये हमने गैप मिल गया। अब इसके बाद यही आंसर हमारा आना चाहिए ट्रेडिंग पीएनएल में, एक बार कंफर्म कर लेते ट्रेडिंग पीएनएल में क्या ये आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखना मैंने नहीं लिखी अभी तक, वो है सेल्स, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, अगर याद हो तो आपको, हमने एक सेल्स का यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया था, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ऊपर 292,500, तो वो मैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेल्स 292,500, 292,500 प्लस 20,000 दैट कम्स टू 312,500, यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख रहे 312,500। कुछ गैप आएगा हमारा, गैप निकाल देते 312,500 माइनस 1,95,000 माइनस 30,000, तो हमारा गैप जो आ रहा है दैट कम्स टू 87,500, इसे हम लोग बोलेंगे जीपी। जीपी को यहाँ पे लिख देते 87,500, अब इस सबका टोटल करते तो यहाँ का टोटल आ गया हमारा 87,500, यहाँ का भी टोटल हमारा आ गया 87,500। अब हम लोग गैप निकाल देते 87,500 में से 87,500 माइनस 400 माइनस 3400 माइनस 100 माइनस 205,000 माइनस 18,700 माइनस 14,300, तो हमारा आंसर आ गया 30,100। अगेन दैट इज द नेट प्रॉफिट, और अगर ये आंसर को ध्यान से आप लोग देखो तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है वही हमारा ब्रांच का भी प्रॉफिट है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारा आंसर टैली हो रहा है, दैट मीन्स हमने अभी तक जितना भी किया है 99% हमारा सही है। तो ये सम के अंदर खाली एक ही चीज नहीं थी, वो थी जो कैश का खर्चे थे वो नॉर्मली सब लोग लिख देते हैं, पर ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी, ये जो चीज है वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आने वाली। क्वेश्चन के अंदर जाके देखो ये ब्रांच अकाउंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी,
ये सारी की सारी चीजें हमने जैसे वर्किंग नोट बने कि कुछ एक्स अमाउंट हमारा सेल्स हुआ होगा और उसके अंदर से जो पैसे बचे होंगे उसमें कुछ खर्चे करने हैं, वो हमने यहाँ पे सेंड किए होंगे। तो ये एक वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान से देखनी है। पेटी कैश वाली नॉर्मल थी, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन था, उसके बाद में हमने सारी चीजें की। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक ऐसा था कि जो हेड ऑफिस ने किया हुआ था, ब्रांच ने नहीं किया था, हेड ऑफिस ने, इसलिए हमने दो जगह पे लिख दिए, ब्रांच में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने नीचे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये नॉर्मल सा सम टाइप वन यहाँ पे इस तरीके से सम्स हो सकते हैं जो खाली कैश सेल्स के थ्रू बिलोंग करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन में ही डील करते हैं और कॉस्ट प्राइस पे डील करते हैं। अब यहाँ पे कोई डाउट हो तो बता दो। Thank you.